दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। दोस्तों आज हम आप देखेंगे यहाँ पर सिंघी मछली है, बड़ी बड़ी सिंघी मछली है। इसका शिकार कैसे करते हैं और किस जगह पर ये मछली मिलती है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसको हम कैसे शिकार करेंगे या अगर हाथ से पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे, दोस्तों इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मछली रहती कहाँ पर है। सिंघी मछली ऐसे जगह पर रहती है जहाँ पानी में नीचे कीचड़ हो, यानी पानी में नीचे ज़मीन जो है कम से कम चार उंगली या आधा फुट या एक फुट ज़मीन में नीचे धंसता हो, यानी मिट्टी नीचे कीचड़ वाला हो, और ऊपर जो है जंगल होना चाहिए, घास का जंगल हो या जलकुंभी का जंगल हो, उस जगह पर यह सिंघी मछली रहना पसंद करती है। ये नदी में भी मिलती है लेकिन नदी में ये मछली चलती रहती है, रुकती नहीं है। नदी में ऐसे जगह पे ये रुकेगी मछली जहाँ पर नीचे थोड़ा सा मिट्टी जो है कीचड़ वाला मिट्टी होना चाहिए, यानी बालू वाला मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर बालू वाला मिट्टी है तो वहाँ पर ये मछली रहेगी लेकिन रुकेगी नहीं, ये रुकना पसंद नहीं करती है। तो ऐसे जगह पर ये मछली रुकती है जहाँ पर नीचे कीचड़ होना चाहिए, वहाँ इसको भोजन आसानी से मिलता है खाने के लिए, तो ये वहाँ रुकती है। तो दोस्तों जब भी आपको इस मछली का शिकार करना होगा तो आप इसको ऐसे जगह का चुनाव करेंगे जहाँ पर ऊपर पानी के ऊपर घास हो या जलकुंभी हो या और नीचे में मिट्टी हो, जो मिट्टी गीला हो, यानी उधर आप घुसे तो पैर आपका धंसे, उस जगह पर यह मछली ठहरना पसंद करती है। तो आप शिकार करेंगे जब भी इस चीज़ का ख्याल करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इस मछली को खाना क्या पसंद है, आमतौर से लोग केचुआ का इस्तेमाल करते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन केचुआ में सब केचुआ से ये मछली जल्दी पसंद नहीं करती है खाना। तो केचुआ जो ब्राउन कलर का होता है ना, हल्का सा वाइट और ब्राउन यानी दूधिया कलर का लिए हुए जो केचुआ होता है, लाल कलर का हल्का सा होता है, उस केचुआ को ये बहुत शौक से खाती है ये सिंघी मछली। तो जब भी आप शिकार करने के लिए कोशिश करें तो उस केचुआ को ले लें। इसके अलावा अगर आपको केचुआ पसंद नहीं है शिकार करने के लिए, मतलब केचुआ आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर चीज़ है मुर्गी जो होती है उसका कलेजी होता है जो, या उसका फेफड़ा जो होता है उसको आप छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए। काटने के बाद से आप हुक में लगा करके इसका शिकार करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये मछली कहाँ है तो इसके लिए आसान चीज़ है कि आप छोटा छोटा कलेजी का टुकड़ा काट लीजिए और काट करके पानी में डालिए, लेकिन जहाँ पे बहुत सारा घास पतवार है, जंगल है, वहाँ आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके नीचे मछली हम कैसे पकड़ेंगे। तो जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरह से जगह साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद से वहाँ चराई डाल दीजिए, जो मुर्गी का छोटा छोटा आपने कलेजी का टुकड़ा डाला है। अगर मुर्गी का कलेजी आपको नहीं मिलता है तो अगर उसका ब्लड मिल जाता है तो उसको आटा में गूंथ करके, आटा को भुरभुरा करके आप क्या करेंगे उधर डाल देंगे, तो वो भी सिंघी मछली को बहुत पसंद है, उधर खाती है। तो आप जब ऐसे डालेंगे पानी के अंदर तो मछली वहाँ इकट्ठा होगी, सिंघी मछली, देसी मांगुर मछली इकट्ठा होगी और बेहतर तरीके से आप शिकार कर सकते हैं। आप अगर दो दिन तीन दिन उधर कंटिन्यू चराई डाल देंगे जहां आपने घास साफ किया है, तो मछली को अंदाज़ा हो जाएगा कि इधर हमारा चारा मिल रहा है, तो वो डेली उधर ही रुकेगी, कहीं भी रहेगी तो वो घूम के उधर ज़रूर आएगी। तो दोस्तों अगर आप कंटिन्यू चराई कर देते हैं तो कम समय में इस मछली का आप ज़्यादा शिकार कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना ज़रूरी है दोस्तों, ये सिंघी मछली का जो कांटा है आप देखेंगे वीडियो में, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए जब भी आप इसको पकड़ेंगे थोड़ा सा ख्याल करेंगे, इसका कांटा देखिए, इसका अच्छा से दिखाई दे रहा है। जब भी इस मछली को पकड़ेंगे तो इसके कांटा में थोड़ा सा जहर होता है, जहर मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान कर दे, लेकिन ये जब हाथ में आपका चुभो देगी तो बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों। तो इसको बचा करके पकड़िएगा। अगर घर में कोई लेडीज है इस मछली को बना रही हैं लोग, तो वो भी ध्यान देंगी ये कांटा जो है इसका, इससे बच के रहिएगा। अगर ये कांटा चुभ जाएगा तो मुश्किल होता है, परेशानी होता है। जब भी ये कांटा चुभ जाए, अगर आपके हाथ में, अगर अब मान लीजिए इस उंगली में कांटा चुभा है, तो आप यहाँ से ऐसे करके ब्लड बाहर निकाल दीजिए, पानी में हाथ धो लीजिए, फिर ब्लड ऐसे बाहर निकाल दीजिए, तो इससे क्या होता है, तकलीफ़ कम हो जाता है और दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो तकलीफ़ आपका बढ़ेगा और मुश्किल में पड़ सकते हैं आप, थोड़ा परेशानी होगा। तो दोस्तों ये था सिंघी मछली के बारे में कुछ जानकारी।
ये मछली नदी में भी मिलती है, तालाब में भी मिलती है, हर जगह मछली मिलती है, लेकिन अगर नदी में मिलेगी तो इस तरह से ब्लैक नहीं होगी, हल्का सा इस कलर का लाली लिए हुए होती है मछली। ये ठहरा हुआ पानी में मछली थी, इसकी वजह से ये ब्लैक हो गई है, तो इसका ख्याल करिएगा आप जब भी शिकार करने जाएंगे। इसको ग्राउंड बेट देंगे यानी चराई देंगे, चराई देने के बाद से उस जगह पर आप हुक डालेंगे। हुक आपका मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये मछली आसानी से आपको शिकार में आती है। अगर कोई केंचुआ और मुर्गी का कलेजी इस्तेमाल करने में पसंद नहीं करता है तो उसके लिए बेहतर चीज़ है कि मछली पीस ले। मछली पीस करके आप आटा में गूंध लीजिए, आटा में गूंधने के बाद से एक चम्मच उसमें अंडा डाल दीजिए, डालने के बाद से कम 6 घंटा 8 घंटा उसको रख दीजिए। रखने से क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ा सा स्मेल आना शुरू हो जाएगा, फिर आप पतला पतला करके हुक में उसको लगाइए, लगाने के बाद से इस मछली का शिकार कर सकते हैं, उससे भी शिकार होता है। तो दोस्तों ये था सिंगी मछली के बारे में कुछ जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप शिकार करेंगे। अगर आपको शिकार मिलता है तो प्लीज़ वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।